टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट इज 24, सो लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। ठीक है, सो यूनिट डिजिट को हमने एक्स ले लिया, टेंस डिजिट को वाई ले लिया, सो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या दे रखा है 24। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर तो नंबर क्या होगा, हमें पता है 10y+x होगा नंबर। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 93 है हमारा नंबर, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 9 × 10+3, अगर डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है हमें, 9 3 डिजिट्स है। सो जब हम 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं इस नंबर से, दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब ये अब 10x+y हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से y की वैल्यू लिखो, लिख दो 24x, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पहले 10y-y+x-10x इज इक्वल्स टू 18। 10y-y 9y-9x इज इक्वल्स टू 18, 9 कॉमन, y-x इक्वल टू 18, सो y-x आ गया 2y=2+x आ गया। सो वी हैव, इसमें वैल्यू डाल दो 2+x, सो वी हैव यहाँ से फ्रॉम 1 y x into y x into 2+x is equals to 24, सो 2x+x² = 24, इक्वेशन बन गई x² + 2x -24 = 0। दो नंबर जिनका सम 2 हो और जिनका प्रोडक्ट 24 हो, कौन से नंबर है, x² + 6x - 4x - 24 = 0, x common x + 6 - 4 common x + 6 x - 4 and x + 6, x की वैल्यूज 4 and -6, -6 रिजेक्टेड, रिजेक्ट कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, सो मतलब x क्या आ गया 4। अगर x 4 है तो y क्या आ गया, y = 2+x which is 6, तो हमारा नंबर क्या हो गया, नंबर इज 64, हेंस द नंबर इज 64। ठीक है, हम आगे किसका डाउट है, इसका देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ एक्स आई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स ऑफ अ ग्रुप डेटा, आई आर द कर्व, बेसिकली एक्स आई आर मिड पॉइंट्स का मतलब है, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क्स। ठीक है, सबको पता है ना, जो भी हमारे क्लास मार्क होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 इज मिड पॉइंट एंड दैट इज सेम एज क्लास मार्क, तो हमें क्लास मार्क दे रखे हैं, एक्स आई क्लास मार्क है, एफ आई क्या है हमारी, एफ आई आर द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड एक्स बार इज द मीन एंड समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, देखते रहें, सो दिस इज समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार लिख सकते हैं हम इसे, समेशन के रूल सेम होते हैं। नाउ समेशन का मतलब क्या होता है पता है ना, तो मैं सम ओवर, मैं समेशन पढ़ा तो क्यों, तुम सबको याद होगा सम ओवर। अगर मैं बोलूं कि हमें सम करना है आई फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 1 to 10 ऑफ समथिंग लाइक लेट्स से आई, सिंपली आई, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + 4 up till 10 है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं इसे, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 10 10i, इसका मतलब क्या होगा, 10 + i2 हुआ तो 10 + क्या कर रहे हैं, 20 + 30 + 40 है ना, up till 100, समझ आया सबको ये। तो अगर मैं सिर्फ ये लिखूं समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 10 या फिर कोई भी नंबर, एक कांस्टेंट लिख दो 10, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैं 10 को कब कितनी बार प्लस कर रहा हूँ, 10 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो आई है ही नहीं, तो कांस्टेंट का समेशन करने का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा।
एंड एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो इसका सम करना मतलब सेम वैल्यू, सो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस सिंपली एक्स बार, ठीक है, समेशन, और समेशन एक्स आई एफ आई क्या होता है ना, समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू माइनस एक्स बार इज समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, है ना। सो अगर आप एफ आई है ना, हाँ, सो अगर मुझे इसका सम करना है, दिस वुड बिकम, हाउ डू राइट इट, हाँ, सो दिस इज इक्वल टू, एक सेकंड, तो समेशन एक्स आई एफ आई वुड बिकम व्हाट, समेशन एफ आई एक्स आई वुड बिकम एन इनटू एक्स बार, क्यों देखते हैं, अगर मैं इसके साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं क्या, एन एन एन, तो क्या हो जाएगा, दिस समेशन एक्स आई एफ आई वुड बिकम, या ऐसे देखो, ऐसे समझो, सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड दिस इज, दिस इज समेशन एक्स आई एफ आई, सेम ही बात है, एफ आई एक्स आई एक्स आई एफ आई माइनस समेशन एक्स बार, अब समेशन एक्स आई एफ आई को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू, या फिर समेशन एन मतलब समझते हैं ना सब, एन एस समेशन एफ आई टोटल जितना सम है, तो एन इंटू एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय एन, एन मल्टीप्लाई डिवाइड करा है ना, सो इस पूरे टर्म का मतलब क्या होता है, समेशन एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइड बाय समेशन एन एस, समेशन एन एस मीन, ये तो पढ़ा हमने, मीन क्या होता है, समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई या फिर एन, सो और ये कांस्टेंट बार है तो कांस्टेंट इनटू मीन माइनस, अभी हमने डिस्कस करा, अगर हम आई गोइंग फ्रॉम 1 to 10 बोल रहे हैं, ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, आई इसको 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, इस कांस्टेंट नंबर को हम 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स इंटू आई की वैल्यू क्या है, 10, विच इज 100, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एन इंटू, ये एक्स बार था तो एन इंटू एक्स बार, सो एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार 0, दिस विल नॉट कम इन योर कोर्स प्रोबेबली, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू कम इन योर कोर्स, बट स्टिल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, अगेन अनलाइकली दैट आपको ऐसे समीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज मेजोरिटी स्कूल में समीशन का मतलब भी नहीं बताया जाता, सो इट्स अनलाइकली कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास है, बट दिस इज हाउ यू सॉल्व इट, तो दिस विल बी 0, ओके। टू बी ऑनेस्ट आई फर्स्ट लर्न दिस इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सो आई एम नॉट श्योर कि अगर ये तुम्हारी क्लास का क्वेश्चन है या नहीं, हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, दोबारा समझाता हूँ, अगेन दिस डज नॉट मीन, वेन एवर आई से दिस इज डिफिकल्ट एंड दिस हैज लेस चांसेस, डज नॉट मीन ये आ नहीं सकता, रिमेंबर दैट, वेन आई से किसी चीज के चांसेस कम है, वेन आई से कि ये चांसेस कम है कि मेरी पूरी क्लास टॉप करे, डज नॉट मीन कि पूरी क्लास टॉप नहीं कर सकती, सबके फुल आ सकते हैं, दैट इज अनलाइकली बट या पॉसिबल, सो प्रोबेबिलिटी बढ़ी है ना, अनलाइकली इवेंट नॉट इम्पॉसिबल इवेंट, अनलाइकली, सो समेशन एक्स आई एफ आई, समेशन का रूल क्या कहता है, सम ऑफ समेशन इज समेशन ऑफ ईच ऑफ देम, व्हिच मींस समेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब हम इंडिविजुअली के साथ कर सकते हैं, तो समेशन एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं हम इसे, प्लस माइनस समेशन एक्स बार ये लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, अब मैंने इसके साथ क्या करा, मैंने इसके साथ समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन एंड इंटू एन करा, ठीक है, कांस्टेंट जब भी होता है किसी समेशन के अंदर, कांस्टेंट को हम सीधा बाहर निकाल सकते हैं, सो दिस इज एन इंटू समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय एन, तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स आई एफ आई अपॉन एन, क्या होता है मीन विच इज एक्स बार, ओके, नेक्स्ट इस वाले टर्म की बात करते हैं, ये पहले हमने ये वाला टर्म सॉल्व करा, अब इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, नाउ समेशन एक्स बार, जब हमारे पास सिर्फ कोई कांस्टेंट होता है, सो उसमें इसका अगर कुछ नहीं लिखा समेशन के ऊपर, इसका मतलब होता है आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, सो एन टाइम्स अगर मैं 10 को ऐड करता हूँ, 10 को अगर मैं एन टाइम्स ऐड करता हूँ, उसका मतलब क्या हुआ, उसको लिख कह सकते हैं एन टाइम्स इंटू सीधा एन इंटू जो भी नंबर है, सो एन इंटू कॉन्स्टेंट, सो एन इंटू एक्स आई, तो दिस इज एन इंटू एक्स आई, दिस इज एन इंटू एक्स आई, ये माइनस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या सम क्या आएगा 0, ठीक है, सेम सेम आंसर, एन क्या है टोटल, एन इज ऑलवेज टोटल फ्रीक्वेंसी, एन इज इक्वल टू समेशन एफ आई,
पता है मैंने एन क्यों लिखा है यहाँ पे, मैंने एन की जगह एक और तरीके से कर सकता था, आई कुड हैव रिटन हेयर समेशन एफ आई, समेशन एफ आई इंटू समेशन एफ आई, और समेशन एफ आई सिंस एक कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यू कैन राइट इट सिंपली एज समेशन एफ आई बाहर आ गया, एंड देन समेशन एफ आई बाहर आ गया, एंड समेशन एफ आई यहाँ पे नीचे इससे बन गया मीन, एंड बाहर रहेगा समेशन एफ आई, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आई गोइंग फ्रॉम 1 to n बेसिकली सारे को के ओवर सम कर रहे हैं, जितनी भी हमारी मीन कैसे आया होगा सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करके, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन इंटू या फिर समेशन एफ आई इंटू एक्स बार, तो दैट बट द थिंग इज कि एफ आई लिखना समेशन के अंदर समेशन लिखना इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो आई रादर यूज एन फॉर दिस, ठीक है, सो दैट्स व्हाई हमने एन यूज करा था, समझ आया सबको, ये लिख लो भूल जाओगे वरना, तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू एन, एन का मतलब ही देखिए यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा होगा, यहाँ पे लिखा है क्या, इफ एक्स आई इज द मिड पॉइंट क्लास इंटरवल ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड, चलो इसमें लिखा नहीं है बट एन का मतलब ही यही होता है, एन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा जो भी हम एन लेते हैं, जब याद है मीडियन में भी एन अपॉन टू करते हैं वो एन अपॉन टू भी समेशन एफ आई होता है, जो कि तुम्हें बता दिया कि एन वाले को लेते हो, बट इंटरेस्टिंग, मतलब दिस इज अ प्रूफ, पता है किसी एक चीज का प्रूफ होता है, ये तुम्हें बताया नहीं गया बट ये प्रूफ होता है, ये याद है मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी तुम डिविएशन को ऐड करते थे याद है मीन डिविएशन को तो जीरो आता था, जब भी मीन डिविएशन को ऐड करते थे तो जीरो आता था, ये उसी का प्रूफ है कि मीन डिविएशन का सम हमेशा जीरो होता है, क्या आई थिंक इज हमने ऑड इवन में अलग करा था, लेकिन अगर तू तो प्रॉपर वैल्यू लेता है ना तो वो दोनों हमेशा जीरो रहता है, मीन डिविएशन अगर हो, मतलब हम क्या निकाल रहे थे, हम एज्यूम मीन का डिविएशन निकाल रहे थे, अगर तू मीन डिविएशन निकालेगा ना तो वो हमेशा जीरो आता है, दिस इज एवरीथिंग दैट यू विल बी इवेंचुअली स्टडिंग, आई एम नॉट श्योर व्हेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सब्जेक्ट्स यू पिक, बट यस तो सिग्मा एक्स बार मतलब एन तक जा रहे हैं वो सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स बार का मतलब मैं 1 से लेके एन टाइम्स जो भी कॉन्स्टेंट है उसको ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं मीन को एन टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, मीन प्लस मीन प्लस मीन प्लस मीन, तो क्या हो जाएगा एन इंटू मीन, ठीक है, अगर सिग्मा एक्स आई होगा तो क्या होगा, सिग्मा एक्स आई होता, सिग्मा एक्स आई होता तो वो सेम चीज नहीं होती, सिग्मा एक्स आई सिंपली हमने एक्स को सारे सम कर दिया विच इज बेसिकली नो यूज, जितने भी हमारे पास है हाँ जैसे याद है हम जब लिखते थे डिस्क्रीट में, मान ले एक 1 की दे रखी है, 2 की दे रखी है, 3 की, 4 की, एफ आई दे रखे है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे एंड देन समेशन एफ आई करते थे एंड समेशन एक्स आई एफ आई करते थे, बट समेशन एक्स आई हम कभी नहीं करते थे, उसका कोई यूज नहीं, तो भाई इसका कोई यूज नहीं होता, चलो नेक्स्ट करते हैं, एक हाँ लिख लो लिख लो, पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग, तुम लिखो मैं आता हूँ, एक सेकंड, ए बी इक्वल टू एम सी दे रखा है हमें, सी राइट एंगल है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा निकालना है, सो बी का क्या रिलेशन होगा अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, सो दिस इज 1 माइनस सॉरी 2 sin² अल्फा माइनस 1 sin अल्फा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एम सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एम बी इक्वल टू ए बाय टू डिवाइडेड बाय एम बी की वैल्यू आई हैव नो आइडिया अबाउट, नाउ इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन इफ आई यूज टैन, सो टैन अल्फा इज इक्वल्स टू, आई डोंट नो द साइन, कैन वी प्रूव, बाय द वे एक बात बताना, कैन वी प्रूव दिस ऑल्सो टू बी इक्वल टू अल्फा, अगर ये आंसर पा सकते हैं तो,
क्या बीएम बीएम पीएम कैसे निकालेंगे, अभी तो पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ, मतलब वैसे कर सकते हैं, सही कह रहे, हूँ। सही कह रहे, वैसे कर लेते हैं, सही कह रहे, टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। सो योर एम बी वुड बी या सो योर बी सी वुड कम आउट टू बी अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम बी, सॉरी बी सी, बी सी इक्वल टू एंड देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू स्क्वायर प्लस टू एम बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम बी स्क्वायर। इसको यार आंसर मेरा तो, बट दिस नॉट इन दी ऑप्शंस। अच्छा टू साइन स्क्वायर, ओ साइन स्क्वायर होता है तो टू साइन स्क्वायर अल्फा विच इज ये, कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, ये देखना कौन सा है, नहीं। बी, ठीक है हो गया, चलो देखते हैं। सॉरी आई वॉज सॉल्विंग ऑन माई ओन। आई वॉन्डर देर आर इजी वे और आई जस्ट डिड अ होल लॉट ऑफ डिफिकल्ट वेज टू फिगर आउट। कभी किसी को कोई इजी वे मिले ना तो बताया करो मुझे, बिकॉज देर आर चांसेस दैट आई जस्ट सॉल्व जस्ट नॉट इन द इजिएस्ट वे। सो हमें निकालना है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, ठीक है। आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, या तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों निकाल लेते हैं एंड दोनों देख लेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में ये देखो, दिस इज, अगर ये पूरा ए है, ये पूरी लेंथ हमें ये दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू है ना, एंड ये भी हो जाएगा ए बाई टू। अच्छा पहले पाइथागोरस से ना बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी क्या आएगा, बी सी आने के लिए हमें बी स्क्वायर, ये देखो बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बड़े वाले ट्रायंगल में है ना, ये पूरा बी दे रखा है, ये समझ आया सबको। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी सी आ गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। ओके नाउ अगर बी सी आ गया हमारे पास तो बी एम निकाल सकते हैं, बी एम कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट बी सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर है ना। बी सी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एम सी क्या है, एम सी इज ए बाई टू, ए बाई टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस दिस इज ए बाई टू, सो दिस इज ए स्क्वायर बाय 4। सो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो दिस विल कम आउट टू बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे ही 4 लगाता हूँ, सो इक्वल टू बी एम स्क्वायर। सो ये कितना आ गया, दिस इज 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू बी एम स्क्वायर। सो बी एम कितना आ गया, अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बाय 2। अच्छा बी एम आ गया हमारे पास, अब हमारे पास सब कुछ है, बी एम इज अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बाय 2। हमें एक वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन अल्फा निकालते हैं पहले, साइन अल्फा क्या आ जाएगा, ऑपोजिट विच इज ए बाय टू डिवाइडेड बाय हाइपोटन्यूज, विच इज हाइपोटन्यूज क्या है 4 बी स्क्वायर बिल्कुल
रूट फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बाय टू, टू टू कट गए, हमारा साइन अल्फा क्या आ गया, फोर बी ए अपॉन फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर का रूट। कॉस अल्फा निकालते हैं, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा एडजेसेंट विच इज, या तो तुम देखो कॉस अल्फा निकाले कर सकते हो, या फिर मैंने क्या करा था, मैंने डायरेक्टली ना इसको लिख दिया कॉस को लिख दिया मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं मत निकालना, ये देख कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है ना, सो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन, सो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा निकालते हैं, पहले साइन स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इज ए अपॉन रूट फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू साइन स्क्वायर अल्फा विच इज टू ए स्क्वायर बाय फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस वन, सॉल्व करते हैं इसे, टू ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, टू प्लस थ्री बिकम्स फाइव ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर विच इज बी। साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली समझ आया, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे देख आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ मैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया, कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ मैंने उस पर लिखा है, साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने क्या करा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर को लिख दिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बिकम्स टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन, अब साइन अल्फा की वैल्यू थी साइन स्क्वायर अल्फा निकाल लिया, देन टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन कर दिया आ गया, ठीक है, अगेन अ डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बट अगेन कॉन्सेप्ट कोई नहीं यूज नहीं करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, सो इसलिए मैं बोल रहा था बाद में कर रहा हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट लॉन्ग क्वेश्चन, लिख लो यू वुड नॉट रिमेंबर दिस 100% ऑफ पहले हमने हाइपोटेन्यूज निकाला फिर हमने साइन की वैल्यू निकाली, आई डू थिंक दे शुड बी इजीियर, अगर ये एमसीक्यू है ना ओरिजिनली देन इतनी मेहनत नहीं लगनी चाहिए, आई विल थिंक ऑफ सम मेथड सो दैट वी कैन सॉल्व दिस इजीली, हम टैन नहीं लगा सकते क्या, टैन लगाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, पता है क्वेश्चन ना वैसे मैं कुछ चीज करने दो, कॉस टू अल्फा क्या होगा, मतलब ये अगर अल्फा हुआ तो कॉस टू अल्फा वुड बी बी सी विच इज एक सेकेंड बी सी एडजेसेंट विच इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड, I think this is meant to be done this way. But still, very long for an MCQ. I hope कोई इस क्वेश्चन से डर ना गया हो कि ये सब आएगा ट्रिगो में. Well, probably no. I don't expect this difficult. It's now work option only. Work option that way. Suppose the same question mark that you need to have done. It's a random way it's covered. They're just playing with you to increase the difficulty level. Mm-hmm. Basically, this seems more like my test than your test. कि मुझे टेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा सारे करा सकते हो लाइक बिकॉज़ आई डोंट थिंक दिस इज सपोज्ड टू कम इन योर एग्जामिनेशन, लेकिन आईसीएसई में होता है, हो सकता है, वेल वी आर नॉट स्टडीइंग फॉर आईसीएसई, डज नॉट मैटर,
I have to teach you time management also. And time management means you will skip these types of questions, if at all they come. Because मैंने तुम्हारे लिए 3 मिनट में सॉल्व कर दिया, तुम खुद 3 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने 4 डिफरेंट सिनेरियो सोचे एंड सार्थक ने एक आइडिया था उसके बेसिस पे करा. द थिंग इज यू आर स्टिल यंग टू बी प्रोसेसिंग योर ब्रेन दैट फास्ट, सो इवेंचुअली यू विल लर्न धीरे धीरे. नो नॉट रियली गिविंग एडवाइस, मजाक में सीधा उड़ा सकता हूँ, मुझे इनडायरेक्ट बोलने की जरूरत है नहीं कोई. लाइक या बट दिस इज ऑनेस्टली नॉट लाइक इतनी जल्दी तुम सोच नहीं पाओगे. समझाने के बाद आई होप अब सबको समझ आ गया, बट फर्स्ट टाइम आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो. लिख लिया जल्दी. ऐसे क्वेश्चंस पे पेपर से 1-2 दिन पहले दूर रहना. पेपर से 1-2 दिन पहले ऐसे क्वेश्चंस करोगे, बेसिक्स भूल जाओगे, पेपर खराब करके आओगे. 3 मिनट चलेगा क्या? 3 मिनट चलेगा मतलब 3 मिनट से अब नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस मत करना. सो कॉन्फिडेंस डाउन तो फाड़ेगा क्या? तो फाड़ के मत रहा, बट The thing is, I'm not saying ऐसे questions आ नहीं सकते, लेकिन ऐसे questions तुम्हें अगर अभी तक नहीं आते हैं तो 3 दिन में ये करने मत बैठ. That is what I'm saying. There is the time for everything. ये question जब हम ट्रिको पहली बार कर रहे थे ना, तब मैं आराम से कराता, टॉफी भी देता तुम्हें करने के लिए, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है. अभी तुम्हें टाइम यूटिलाइज करना है अपना मैक्सिमम. क्या द मीडियन ऑफ द सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3, सो देन द मोड. अरे फॉर्मूला समझ आ रहा है तुम्हें? 3 मीडियन क्या था? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड. ये फॉर्मूला याद रख लेना, एक तार लगा लो, लिख लो, रट लो. अब करते हैं क्वेश्चन. सो इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स मीन बाय 3, सो मान लेते हैं मीन एक्स है, ठीक है, तो मीडियन क्या दे रखा है हमें? अगर मीन को हम एक्स ले, सो मीडियन इज 3x, ओके, देन द मोड एक्सीड्स द मीन बाय, तो निकालते हैं मोड क्या आएगा, 3 इंटू मीडियन विच इज 3x माइनस 2x विच इज 9x माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू 7x, ठीक है. सो मीडियन इज एक्सीड्स लिखा है, एक्सीड्स लिखा है, तो फिर डजंट दैट मीन कि ये वो हो जाएगा? अगर 3 times exceed करता है इसको, तो mean plus 3 times mean होगा ना? I think this is the correct explanation. अगर वो बोल रहे हैं median exceeds the mean by 3, by 3 plus 3 होगा, exceeds, yeah, 3 times नहीं है, 3 होगा. So median is x plus 3, 3 into x plus 3 minus 2x equal to mod. So we have 3x minus 9 minus 2x equal to mod. Mod is x, sorry, x plus 9 equal to mod. So mod कितने से exceed करता है? 9 से, ठीक है. Exceeds मतलब add कर रहे. Next question. If the class mark of a continuous frequency distribution 22, क्या ही? The class marks of a class marks are 22, 30, 38, 46, 56, 68. Then the class corresponding to the marks 46 would be. पहले देखते हैं class mark के बीच में gap कितना है? 8 के gap चल रहे हैं, है ना? So इसके class mark क्या होगा? 4 दोनों साइड ऐड कर दो, तो 46 प्लस 4 50, 46 माइनस 4 42, 42 टू 50 है.
ए समझ आए क्या करा? क्लास गैप कितने का है? 8 का। तो 8 के बीच में लाई करेगा वो, मतलब 4 एक साइड 4 एक साइड, मीनिंग 4 ऐड कर दो 4 माइनस कर दो, 42 50। ठीक है, द वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर न्यूमेरिकली इक्वल। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हेमिस्फेयर इज, बोलो, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। जब नहीं दिया हो तो टी एस ए हो, सर्फेस एरिया। एंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज, सो करते हैं सॉल्व इसे, 1 आर 2 आर से 2 आर कट गए, पाई से पाई कट गया, सो आर इज इक्वल्स टू 3 × 3/2 विच इज 9/2, तो डायमीटर क्या हो गया 2 आर विच इज 9। ठीक है, लिख लो चाहो तो 70। अगर मैं कभी जल्दी जल्दी पढ़ाने लगूँ तो मुझे याद दिलाना कि सर आपको आता है हमें नहीं आता है, रुक जाओ। ठीक है, मतलब ये बोलना मत सर फोड़ दूंगा, बस बोल देना सर थोड़ा सा, ठीक है। ऑब्वियसली बताओ, रिकॉर्डिंग में चला गया, सर फोड़ दूंगा, अब क्या होगा मेरा, ये अपलोड ही नहीं करूंगी, अपलोड ही नहीं करूंगी। चलो नेक्स्ट देखो, इस सेके सेक टू है, तुमने अगर मुझ पे केस कर दिया और मुझे पता चल गया, केस करना तो पता मत लगने देना, दो में से एक चीज करना है, तो केस मत करना या पता मत लगने देना मुझे और किसी। अगर पता चल गया मुझे, वो तुम्हें तब पता चलेगा इसको ना। सेक टू ए इक्वल टू टू एंड ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ बी इज, बी निकालना है। सेक टू कहाँ पे होगा? ए इज एन एक्यूट एंगल एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यार मेरा बड़ा मन कर रहा है कॉस 2a का फॉर्मूला लगाने का, लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है कॉस 2a। क्या 60? हाँ सेक 62 होता है, कॉस करना देते हैं ना। देखो दिस इज 1/cos 2a इक्वल टू टू, 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस 2a। आप सबको याद होगा कॉस कहाँ पे होता है 60, सॉरी कॉस हाफ कहाँ पे होता है, कॉस 60 पे, कॉस 2a, तो 2a क्या आ गया 60, a क्या आ गया 30, a 30 है तो b क्या आ गया 60। ठीक ठीक है, कॉस पे कन्वर्ट कर देना है है ना। कितना क्यूट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए तो हम टॉप करें। सेक 2a 2 दे रखा है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे, कॉस आ गया 1/cos 2a 2, 2 नीचे आया कॉस 2 ऊपर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो कॉस 2a 1/2a, कॉस 1/2 कहाँ होता है 60 पे, 2a आ गया 30, 2a 60 तो a 30, तो b निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करना जरा, टिक टिक। डिफिकल्ट अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, सो अगर लेट फुल फेयर कॉस्ट एक्स द एंड देन, रेलवे हाफ टिकट की कॉस्ट क्या होती है, हाफ टिकट कॉस्ट इज इक्वल्स टू x/2, बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट, तो प्लस लेट रिजर्वेशन चार्जेस चार्जेस भी y। ठीक है, तो फुल फेयर की कॉस्ट x है प्लस रिजर्वेशन चार्जेस y, एंड हाफ टिकट की कॉस्ट क्या है, x/2 + y। 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 2530, सो एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट
cost 2530. Also, one reserve first class ticket and one reserve first class half ticket cost 3810. So x plus y plus x by 2 plus y cost 3810. So karte fine. This is equals to same x plus y equal to 2530. But this is equals to x plus x by 2 is 3 by 2x plus 2y equal to 3810. Iske saath 2 multiply kar dete hain. This becomes 2x plus 2y equal to 5060. And then this is 3 by 2x plus 2y equal to 3810. Minus kar dete hain. So we have 0, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 0. And this will become 2 minus 3 by 2 is 2 minus 3 by 2 is 1 by 2. So x is equals to 1, 2, 5, 0 into 2, which is 2, 5, 0, 0. Agar x 2, 5, 0, 0 hai. So 2, 5, 0, 0 plus y equal to 2, 5, 3, 0. So y kitna aa gaya? 30 rupees. ठीक है जो और वैल्यू भी करवा देना पहले सीक्वेंस में डाउट्स लेंगे जो लगे हो जाए लिख लो भाई जिसको नहीं समझ मतलब सिंपल डायरेक्ट ना कुछ वो नहीं है पता है मुझे प्रॉब्लम पहली बार जब हमने क्वेश्चन करा था व्हाट द इशू वाज मैं तुम्हें समझाता हूँ व्हाई डिड आई थॉट समथिंग डिफरेंटली उन्होंने कहा द रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर but the reservation charges are same. So I thought that half the full fare means उसने reservation की तो add करा होगा. So I thought the half ticket was x plus y by 2 plus y. समझे difference दोनों में कि जो पूरा पैसा दिया उसने उस पे full fare की cost पे उसे ही तो ticket price बोलूँगा मैं. उसका मैंने half करके plus y add करा जिसकी वजह से error आई. So be sure to understand they are just saying ki fare alag hai reservation charge alag hai fare does not include the reservation charge okay so ek question hai pehchan ko karwa rahe the ha main kisi ko yaad nahi kisi ko karwa raha kisi ko to karwa raha ईयरफोन्स पेंट कर लेता हूँ क्यों लग रहा है पेंट करने से अगर पेंट खराब हो गया लॉन्ग एक्सपोजर तो ईयरबड से होगा ना एक्सपोजर को उस वो अच्छा आपके हेडफोन का यार दोस्त की घर छोड़ा है तो आई हैड टू बाय दीज इन मेट्रो कितने But the thing is, I had to watch classes. So, मेरी क्लास थी एंड देन मुझे क्लासेस देखनी थी पूरे दो वीक की तो मेट्रो में दो घंटे में वही कर रहा था मुझे भी वीडियो देखनी पड़ती है तो मैं देखनी पड़ती यही करना पड़ा क्या करता सोया नहीं था तो सब तो बहुत दर्द हो रहा था लेकिन अगर नहीं पढ़ के जाता ना मज़ा आ जाता तो कही मेरी प्रोबेबिलिटी की क्लास थी तुम्हें मैंने कराया था ना क्वेश्चन छोले वाला कर रहे थे वो क्लास The barrel of a fountain pen cylindrical in shape is 7 cm long. करो टेक 2 मिनट्स ट्राई The barrel of a fountain pen cylinder in shape so we have a cylinder which has the following dimensions 7 cm long
एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर विच इज 5 by 10 या फिर 1 by 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ओके सो अ फोर क्या हुआ 662 आ रहे देखते हैं. A full barrel of ink is used up to writing 3300 words. So, देखते हैं इसका volume क्या है. Volume is equals to pi r square h. 1 by 2 दिया. 5 millimeter दिया है ना. Which is 1 by 2 centimeter. So diameter 1 by 2 centimeter. है ना. Millimeter में डालना. Centimeter में तो convert करें. अच्छा ओ sorry my bad. सही तो कह रहे हैं नहीं सही कर. हाँ तो वही तो मैंने रेडियस बोले ही सही लिखा है ना. लाइक मतलब क्या कह रहा है तुम्हारा पॉइंट क्या है. सो वी हैव इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ तो 22/7 इंटू आर विच इज 1/4 हो जाएगा. तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू एच इज 7. ठीक है ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम निकाल रहे हैं. सो वी हैव 22/16 या फिर 11/8 सेंटीमीटर क्यूब. 11/8 सेंटीमीटर क्यूब कितना लिखता है 3300 वर्ड्स. ठीक है क्लियर है यहाँ तक. तो अब दूसरी चीज निकालते हैं टोटल वॉल्यूम. 1/5 of a liter. 1/5 of a liter इज 1000/5 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है सो अच्छा अगर 11/8 सेंटीमीटर क्यूब 3300 वर्ड्स लिखता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लिखेगा 3300 इंटू 8/11 विच इज 300 इंटू 8 विच इज 2400 वर्ड्स पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके या सो हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है 11/1000/5 विच इज 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो 200 सेंटीमीटर क्यूब कितना लिखेगा विल राइट 24 इंटू 200 इंटू 2400 इंटू 200 इट्स दिस इज 48,1,2,3,4,480,000 वर्ड्स. या करेक्ट समझ आया सबको. अरे वो कुछ नहीं हो मैंने बाद पहले ही लिखा तो बाद में लिख दिया. दिस इज बेसिकली 2400 इंटू 200 विच इज 480,000 वर्ड्स विच इज लॉजिकल ऑल्सो. एक बैरल ऑफ इंक तो ऑब्वियसली एक पेन से ज्यादा ही लिखेगी. ठीक दिस इज हाउ यू डू. स्टेटमेंट लिख लेना स्टेटमेंट मिस करना. वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल ठीक है. नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेंटीमीटर क्यूब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल एंड देन कंप्लीट. ठीक है समझ आया सबको. ये यूनिट याद रखना. मीन इसकी वजह से ही क्वेश्चन गलत या सही होता और सब कुछ तो ऑन दैट डिफिकल्ट. देख लिया कोई लिख रहा है. देखो लिखो तक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. और बच्चे गिविंग यू अगेन 3 मिनट्स फॉर इट 40 पे डिस्कस करेंगे.
जिसको भी डाउट्स आते हैं ना ग्रुप पे भी अपने डाउट भेज दिया करो, द मोर यू प्रैक्टिस डाउट्स द बेटर, बिकॉज प्रोबेबली सबको सेम डाउट्स ही होंगे. इट्स गुड इफ यू प्रैक्टिस दोस डाउट्स और हम कर पाए. इवेंचुअली मैं भी एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन भेज दिया करूंगा उनके, इन केस कोई और ट्रैक नहीं करता, बट तुम ट्रैक करा करो. एक लास्ट बैच बहुत एक्टिव था लास्ट ईयर जब 10th थे, तो तुम एक्टिव नहीं हो ग्रुप पे, एक्टिव बनो. यहाँ कहीं डोनट मिलता है क्या? लोग्स के साथ वाले, लोग्स के साथ हाँ है ना, पहले प्लाजा में था वो, पता नहीं वो बाहर भी चले गए. एक मिनट बचा, जल्दी करो. A building is in the form of a cylinder, surmounted by a hemispherically vaulted dome, and contains some amount of air. So, ऐसी building है हमारी. It has air 4119 by 21 meter cube. मतलब इसका वॉल्यूम है. इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द हाइट अबव द फ्लोर. सो ये जो इंटरनल डायमीटर है, अगर ये एक्स है तो ये पूरी भी क्या हो जाएगी, एक्स. हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. अच्छा, वॉल्यूम और उसके बीच में रिलेशन देख लेते हैं. बोलो. टोटल हाइट ऑफ द फ्लोर मतलब इवनिंग ही सिलेंडर तक की है. दोस्त ये भी तो आएगा ना, हेमिस्फीयर भी तो आएगा उसमें. मतलब ये अबव द फ्लोर तो ये वाली हाइट ही कंसीडर करेंगे ना, आई गेस.
ये लिखा है ना, बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय हेमिस्फेरिकल वॉल्टेड डोम एंड कंटेन्स द इंटरनल डायमीटर डोम इज इक्वल टू टोटल हाइट अबव द फ्लोर। आई थिंक दिस शुड बी द हाइट, ट्राई करें इसे करके देखते क्या आता है। सो इसका डायमीटर क्या हो गया, रेडियस एक्स बाय टू हो गया, हाइट एक्स है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू अच्छा पाई आर स्क्वायर एच। सो वी हैव 41/19, ये क्या हो जाएगी, 41 प्लस 19 बाय 21, मतलब सॉल्व भी कर सकते हो उसे, 8880/21 = 22/7 × यहाँ पे लिख देता हूँ। सर इसमें जो एयर रखी है वो इंक्लूडिंग द टर्म होगी ना, तो या ओब्वियसली 22/7 × r व्हिच इज x/2 × x/2, और प्रोडक्ट यूज करते हैं x/2 × हाइट व्हिच इज x माइनस, ये क्या होगा x/2, तो ये भी क्या होगा x/2। सो हाइट इज सिलेंडर की हाइट x - x/2 होगी, या 8809 829 होगा। हाँ मतलब क्यों खेल रहे हो बेटा, 7321 22 488, 40 आ गया है। सो वी हैव या सो 40/3 इज इक्वल्स टू x/2 × x/2 × ये क्या आ जाएगा, x/2। ओके सो x/2 क्यूब है बेसिकली, x/2 क्यूब x³ = 40 × 2³/3। सो वियर्ड आंसर बट योर एक्स विल कम आउट टू बी 5। इसका आंसर आंसर है इसका, आंसर है नहीं, पता नहीं इतना अजीब तो आना नहीं चाहिए बट ये आ रहा है। एक्चुअली अगर एक्स ले सिलेंडर की हाइट को तब करके देखें, देखते तब क्या होता है। अगर सिलेंडर की हाइट को एक्स लेके करें तो वो भी यही रहेगा आंसर, थोड़ा ही डिफरेंट होगा बस। दिस विल कम आउट टू बी इनटू, अच्छा अभी हमारी हाइट आ रही थी एक्स इज इक्वल्स टू कितनी आई थी, टू कॉमन आ गया, तो 4³√5/3 आएगा आंसर। ठीक है इससे करके देखते हैं, इनटू एक्स आ रहा है सो दिस विल बी 4² अरे डोम की तो जाए अलग है, सेमीस्फीयर की तो आईडी के नीचे है। हां सर, अच्छा ओ हाँ माय मैंने सॉरी 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 माय बैड, तो फिर करना पड़ेगा भाई, पहले माइनस करके ही लेते हैं एंड देन डोम की ऐड कर देते हैं। सो दिस इज डोम की कितनी है, प्लस पाई कितना होगा, 3 बाय 3 सॉरी 2 बाय 3 पाई आर क्यूब। सो आर क्यूब इज x/2 × x/2 × x/2³। तो यहाँ भी x/2³ है, x/2³ कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 22 सॉरी अंदर बचेगा x/π भी कॉमन ले लेते हैं। सो विल बी लेफ्ट विद, यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, +2/3 है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू 880/21 = सॉल्व करते हैं ऐसे। सो 880/21 = 22/7 × x³ (x/2³) × 3+2 = 5/3। सो 7321 3 3 कट गए, वी हैव 22 45 840 या यही होगा। सो x³ = 8 × 8³, सो 8 × 8 विच इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया एंड √2। अगर तेरे वाले से करेंगे सो उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं।
सो देन इट विल कम आउट टू बी एक्स बाहर आ गया, एक्स क्यूब बाय टू स्क्वायर बाहर आ गया, एंड देन अंदर बचता है वन बाय सॉरी वन प्लस टू वन बाय थ्री विच इज थ्री प्लस वन. पता नहीं, चेक करना एक बार क्या आ रहा है इससे, उससे क्या ज्यादा नॉर्मल वैल्यू आ रही है. चेक वंस उससे क्या आ रहा है, इससे तो ये आ रहा है आंसर, आई गेस यही आ रहा है. 5840 एंड या एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 × 8 × 8, तो चेक करो उससे क्या आ रहा है, बताओ. इससे तो एक्स क्यूब रूट ऑफ 2 मीटर आ रहा है. अगर उससे कोई नॉर्मल वैल्यू आ रही है तो मे बी दैट इज ओके. नो, सही है, इससे आ रहा है 4 आ रहा है. ठीक है, ये वाला सही होगा, बट उससे चेक कर लो एक बार, 4 मीटर आएगी. सो वी हैव एक्स क्यूब इक्वल टू 8, तो 2 बार आ गया. ठीक है, 4 आएगा इससे, यही होना चाहिए वैसे तो, बट उससे भी करके देख लेना. ठीक है, कैलकुलेट करोगे 4 आएगा, लिख लो एक बार साथ साथ, कैलकुलेट करते चलो तो समझ आ जाएगा. क्या तुम्हें समझ आया ना, एक्स बाय टू क्यों लिया है मैंने ऊपर. बेसिकली टोटल हाइट हमें एक्स दे रखी है, अब जो सिलेंडर की हाइट तो यहाँ तक ही है, सो सिन इन दोनों का रेडियस सेम होगा, रेडियस क्या एक्स बाय टू, इसका भी रेडियस एक्स बाय टू होगा, तो ये पार्ट भी क्या होगा एक्स बाय टू. ठीक है, इट वुड बी ईजियर अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे एक्स बाय टू की जगह 2x लेके करते, तो इट वुड हैव बीन ईजियर. अगर आप इसी को 2x लेके करते ना, तो ऐसे हो जाता क्वेश्चन. डायमीटर को मान लो 2x लेते हो, तो ये हाइट क्या हो जाएगी पूरी डोम की ऊपर वाली हाइट, दिस होल इज 2x. ठीक है, दिस मींस ऊपर वाला x है, क्योंकि डायमीटर और रेडियस x है, सो रेडियस x आ जाएगा एंड ये हाइट भी x आ जाएगी. सो इट वुड हैव बीन ईजियर बिकॉज वो 880/21 वुड हैव कम इक्वल टू x अपॉन पाई 22/7 इनटू x क्यूब. ठीक है, और ये हेमिस्फेयर का प्लस 22/7 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सो डायरेक्टली इससे क्या आ जाता, योर एक्स वुड हैव कम आउट टू बी एक्स क्यूब इंटू 44/7 इज इक्वल्स टू 880/21, तो उससे आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता, बस उसमें आपको डायमीटर को 2x लेना होता. It would have been simpler. But anyways, जैसे कर रहा है वैसे कर लो. ये लिख लो एंड देन जा सकते हो. अगर मैं बोलता हूँ ग्राउंड ये हमारा, ठीक है, ग्राउंड ये हमारा एंड काइट की हाइट अबव ग्राउंड बोलता हूँ, ठीक है, सो पहली बात, वो जो हाइट लेता है ना, वो काइट ऑब्वियसली तो सही कह रहा है, काइट की हाइट को नहीं लेते हैं, बट द थिंग इज यहाँ पे इसीलिए उसका उल्टा पता है क्या बोला है, कि जितनी भी हाइट अबव फ्लोर है वो मैक्सिमम जो साइड पैटर्न अटेन कर रहा है अबव फ्लोर बोल दे रहा है, रादर देन सेइंग टोटल हाइट, दे सेड हाइट अबव फ्लोर, व्हिच इज अ वियर्ड वे ऑफ सेइंग टोटल. तो दिस आई अंडरस्टैंड कि इसमें थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है, बट इट मींस द टोटल हाइट. ठीक है, जा सकते हो. तो बचे हुए डाउट से कल डाउट सेशन बनना था, उसमें पूछ करना. कल पेपर भी दे दूंगा तो आ जाना. मुझे रिव्यू करना है, रिव्यू करके बताऊंगा क्या दिक्कत है. क्यों
वही नहीं, टाइम नहीं बचा सर, वो नहीं, टाइम तो बहुत बचा, मतलब मैंने वो किया नहीं है एनसीईआरटी तब का। भी ट्राई करना चाहिए बेटा, मतलब फिर मार्क्स तो यही लगेंगे आपके जो लगेंगे। हाँ वही तो, फिर मतलब रिवाइज करना पड़ेगा, करो रिवाइज। ओके बाय। वैसे